नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मरित तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो कि भोपाल से है। कन्या विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब 50,000 की राशि सीधा बेटियों के बैंक में जाएगी। पहले 50,000 की सामग्री खरीदी जाती थी। सीएम शिवराज ने कहा 6,000 आयोजन पर खर्च होते थे। और शिवराज, सामग्री को लेकर कई बार कुछ शिकायतें भी आई हैं। शिकायतों को खत्म करने के लिए सीधा बैंक में राशि भेजेंगे। तो पहले 50,000 की सामग्री खरीदी जाती थी, लेकिन अब सीधा 50,000 रुपये बेटियों के बैंक में जाएंगे। तो 6,000 आयोजन पर खर्च होते थे, बड़ी खबर आपको बता रही है भोपाल से, जहाँ पर कन्या विवाह योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है और उन्होंने बयान दिया है इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि अब 50,000 की राशि सीधा बेटियों के खाते में जाएगी, उनके बैंक में जाएगी। और जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही थी, उसको देखते हुए ये परिवर्तन किया गया है, ये फैसला किया गया है। तो कन्या विवाह योजना के तहत ये बड़ा बदलाव, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को लेकर बयान दिया है। अब 50,000 की राशि सीधा बेटियों के बैंक में जाएगी। पहले 50,000 की सामग्री खरीदी जाती थी, लेकिन अब वो राशि सीधा खाते में जाएगी। 6,000 आयोजन पर खर्च होते थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वो राशि सीधा बेटियों के खाते में जाएगी। जो शिकायतें आ रही थी, उनको देखते हुए, उनके समाधान करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि ये 50,000 रुपये की राशि सीधा बेटियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।